ये भेड़चाल मत करो, बस उसके पीछे उसके पीछे उसके पीछे जा, जरूरत नहीं है। वहां शासन के कहीं पैसे जा रहे हैं, और जहां जरूरत है वहां शासन तड़प रहा है, वहां पर हर तरह की जरूरत है। एक घर में शादी का फंक्शन था, परिवार संपन्न था, अपने हैसियत से उसको सब करना पड़ा, कभी कभी व्यवहार से भी उसको करना पड़ा, लेकिन एक उन्होंने साथ में लिया कि एक कार्यक्रम ऐसा होगा जो प्रदर्शन का विषय नहीं बनेगा। क्या किया उन्होंने मालूम है? 27 ऐसे कमजोर परिवार साधर्मिक, उनका एक फंक्शन रखा। कहां पर? फोटो सेशन वाला भी नहीं था, वीडियोग्राफर भी नहीं था। क्यों नहीं था? उसका प्रदर्शन नहीं चाहते थे। अहमदाबाद के नजदीक सेरीसा तीर्थ है, सेरीसा में संडे को भी सिलेक्शन नहीं किया, क्योंकि संडे को बहुत सारे लोग आएंगे तो लोगों के सामने ये प्रदर्शन हो जाएगा। वीकडेज का कोई दिन पसंद किया। 27 परिवार को वॉल्वो बस में बैठा कर, एसी बस में बैठा कर, अपने रिश्तेदार नहीं थे, साधर्मिक थे। भाविक भाई लेकर गए और एक एक रूम दी एक एक परिवार को, और कमरे से बाहर जब आए, वो नहा धोकर रूम से बाहर आए, बाथरूम से बाहर आए, तो बहन के लिए 10-12 हजार का वेश और भाई के लिए 5-7 हजार का पूजा का कपड़ा वो बाहर रखे, ये पहनकर पूजा में आओगे, उनके लिए शांति स्नात्र रखा, जिसमें परिवार का कोई सदस्य रिश्तेदार कोई शामिल नहीं। ये 27 परिवार को स्नात्र पूजा, सॉरी शांति स्नात्र के माध्यम से उनका पुण्य बढ़े, उसमें वो लाभ ले। और सब साधर्मिक आंखों से रो रहे, किसी ने हमारी इतनी फिक्र नहीं की कि हमें ये लाभ मिले। और पूजन पूरा होने के बाद उनके हाथ से, जिसकी शादी थी ना, वो कपल के हाथ से सिर्फ 1 लाख, कौन सा शांति कलश का, बाकी आरती मंगल दियो सब लाख उन 27 साधर्मिक को। और जब पूजन पूरा होने के बाद उनका खाना लगा, बाजोट लगा, 4 मिठाई, 4 फरसान, 4 जूस, ऐसे द्रव्यों से उन 27 परिवार की भक्ति की गई। एक एक फ्रूट्स का करंडा पूरा कि आप घर जाकर आपके बच्चों को भी खिलाइएगा, एक एक करंडा 27 परिवार को, और 5-5 हजार रुपए का कवर देकर उस परिवार ने साधने में भक्ति की। एक दुनिया ये भी हो सकती है, हमारा साधर्मिक भूखा रहे और हम महोत्सव की दुनिया मनाए, शादियों की दुनिया मनाए। हाँ, बेंगलोर में, सिर्फ बेंगलोर में शादियों में जो खर्च होता है ना, सिर्फ बेंगलोर की बात करता हूँ, रिपोर्ट के साथ, मैं आंकड़ों के साथ भी बता सकता हूँ, उतना खर्च जो वेस्टेज नलियों में जाता है ना, वो आपको पक्षाल दिखता है, 1.5 लीटर पक्षाल नलियों में जाते हुए दिखता है। लेकिन ये चीजें कहते हैं बेंगलोर के जितने ये शादियों के मंडप का 1 साल का जो वेस्टेज है ना, नलियों में बहता है, नालों में बहता है, उससे 1 साल के दुनिया भर के गरीब बच्चे 1 टाइम का खाना खा सकते हैं। ये रेशियो है, जहां छोटे छोटे गरीब देश है, अफ्रीकन देश कहीं, वो बच्चे 1 टाइम का वापर सकते हैं, इतना खाला तो हमारा नलियों में जाता है, और वो कोई विचार नहीं बनता है, और जो बातें करते हैं वो अपने घर में वापिस ऐसा रखते हैं। करो ना कुछ, कुछ करो सुधार, नहीं ये दुनिया हम कुछ अलग करें, लोगों के सामने कुछ अलग हम और हैं, और यहाँ बैठते तो अलग है, नहीं ये दुनिया बंद करे। शादियों में मंदिर में पैसे दिखते हैं खर्च होते हुए, लेकिन शादियों में सिर्फ व्यवहार को निभाने के लिए, लोगों में हम कुछ है, लोगों की नजर में अच्छे बनने की बजाय भगवान की नजर में पवित्र बनो। लेकिन हम तो सिर्फ सिर्फ लोगों की नजर में अच्छा, लोगों को अच्छा लगा, खाना खाने के बाद लोग 4 बोले, इसके लिए 100 आइटम का जमावड़ा कर देते हैं, और सुनकर फिर वापिस वैसा ही करेंगे। हम यहाँ से सुनते राइट बात है, हाँ मुंह हिलाते, फिर व्यवहार में जाते हैं तो वही दुनिया बनाते हैं। सुरेश भाई सही बोल रहे हैं, सिर्फ सही बोलने से सुनने से क्या होगा, हमारी दुनिया तो वही है, 100-100 आइटम्स की दुनिया बनती है। कभी कभी सोचा है हमारे इस अनुष्ठान में हजारों, कोई 1 करोड़ खर्च कर देते, कोई 2 करोड़ खर्च कर देते शादियों में, कभी कभी विचारा है कि हमारा साधर्मिक जिनके पेट भरे हुए हैं उनको 100-100 आइटम खिलाते हैं, लेकिन कोई हमारे ऐसे साधर्मिक है जिनको 2 टाइम खाने को नहीं है? आप यकीन नहीं करोगे,
हमारे सादर में एक व्हील चेयर चलाती है बहने मुंबई में। एक महात्मा साध्वी जी भगवंत आए उपाश्रम में पहुंचे, देखा पेड़ी से पैसे दिलाने थे, पेड़ी बंद थी, तो उन्होंने किसी भाई को कहा कि पेड़ी बंद है, पेड़ी आते ही आपको पैसे दिलवा देंगे, कोई साधु भगवंत हो तो एक बार इनसे पूछकर पैसा दिलवा दीजिए ना। उन्होंने कहा हाँ साहब, साधु भगवंत थे, पूछा कि साहब एक साध्वी जी भगवंत के साथ जो व्हील चेयर वाले आए ना उनको पैसे देने हैं, पेड़ी बंद है तो क्या करना चाहिए। भैया आप दे दो ना, पेड़ी से आपको वापिस दिलवा देंगे। जी साहब, 550 रुपये 450 जो थे 750 पेड़ी के दिए, उन्होंने खुद दिए। फिर बोला महात्मा ने, साधु भगवान ने, उनको जो व्हील चेयर वाली भाई हो ना उनको नाश्ता भी करना होगा, बिचारी सवेरे से चला रही होगी, उनको पूछ लेना और हो सके तो उनके नाश्ते की व्यवस्था घर में कर दे। जी साहब, पैसे दिए। फिर बोला बहन नाश्ता कर लो। नहीं, क्यों? आज मेरा वर्षी तप है का उपवास है। हाँ, कंटिन्यू छठा वर्षी तप। आप व्हील चेयर चलाते हो? हाँ, करना पड़ता है। वो भागे महात्मा के पास गए, पैसे दे दिए। हाँ साहेब, छठा वर्षी तब चल रहा है। क्या बात कर रहे हो? इसलिए नहीं नाश्ता किया, बुला कराओ, बाहर नहीं गए होगे। बुलाया, बैठाया, कब से काम कर रहे हो? साहेब एक लड़का है पेट्रोल पंप में काम करता है, 7000 पगार है, घर नहीं चलता है, पति को बीमारी हो गई है, 4000 दवाई का खर्चा है, कैसे मेंटेन होगी? इसलिए व्हील चेयर चलाती हो? व्याचना के दिन तो नहीं चला सकती, फास के दिन चला सकती हो। सवेरे 4 बजे निकलना पड़ता है जगह से, 5 बजे 5:30 बजे महात्मा के उपाश्रम में पहुंचना पड़ता है, 9:30 तक व्हील चेयर करके फिर घर पर जाती हो। पूछा आपके समान ऐसे कितनी बहने हैं? 27 बहने हैं मुंबई में सिर्फ जो व्हील चेयर चलाती है। हमारी दुनिया प्रभु की कृपा से बहुत कुछ मिला है, हमारे साधन में जो हमारे प्रभु को पूछते हैं। एक वॉचमैन है मफलर डालकर, बेचारा लड़के की कमाई नहीं है इतनी, इसलिए 70 साल की उम्र में भी वॉचमैन गिरी करनी पड़ती है। अनानुपूर्वी का किताब लेकर मफलर लगाकर बैठता है वो, अनानुपूर्वी नौकर मंत्र का जाप करता है, नाइट ड्यूटी करता है, 14 होती है ना कल, तो अपने सेठ से रिक्वेस्ट करता है 14 है आज, प्रतिक्रमण करने के बाद 9:30 के बाद आऊंगा तो चलेगा ड्यूटी देने के लिए, 14 का प्रतिक्रमण करके भी ड्यूटी दे देता है। हमारी नजर में नहीं है, हमारे तो हमें तो एक ही लक्ष्य है ना, लोगों की नजर में आए हम। शासनम जिन शासनम शासनम